नमस्कार, यूपी फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी के चुनावी गर्माहट के बीच कहा, मुझे इस बात का दुख है कि अखिलेश भैया मेरा काम को नहीं देख पाए, मगर योगी जी को मेरा सामाजिक काम दिखा। कहा, मुझे नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है। भाजपा में शामिल होने के बाद नेताजी ने कहा था, जिस चीज में आपकी खुशी है वह करिए। हसनपुर सीट से सपा उम्मीदवार मुखिया गुर्जर की पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। वायरल वीडियो में गुर्जर ने कहा, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल काट रखी है, ये क्या हम पर मुकदमा दर्ज करेंगे? वर्तमान विधायक से हिसाब चुकता करने की कही बात। कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए मुखिया गुर्जर। गृह मंत्री अमित शाह के ऑफर पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी का पलटवार। कहा, चन्नी नहीं जो पलट जाओ। शाह ने जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन की जताई थी इच्छा। शाह ने मथुरा पहुंचकर बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, राधे राधे बोलकर फिर बनवा दो भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। योगी को खुद से बेहतर मुख्यमंत्री बताया। कहा, योगी राज में 5 साल के भीतर यूपी की अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी आता है गुस्सा। एक इंटरव्यू के दौरान दागियों से जुड़े सवाल पर बुरी तरह भड़क गए सपा मुखिया। गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि इस चैनल पर फिर कभी नहीं आऊंगा। नाहिद हसन, आजम खान, गुलशन यादव जैसे दागी प्रत्याशियों के बारे में बार बार सवाल पूछने से नाराज हो गए थे अखिलेश। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के कांग्रेस को एक बार और लग सकता है बड़ा झटका। किसी समय समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आई फिल्म अभिनेता राज बब्बर सपा में कर सकते हैं वापसी। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इशारों में कहा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी नेता और अभिनेता जल्द ही होंगे समाजवादी। यूपी विधानसभा चुनाव में जाटों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। किसान आंदोलन के चलते नाराज चल रहे जाटों के मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सजाया जाट दरबार। खाट, हुक्का और गुड़ की मिठास के साथ हुई जाटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। पश्चिमी यूपी में 18 जिलों की 80 सीटों पर जाटों की भूमिका अहम होती है निर्णायक। भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। पडरौना सीट पर हो सकता है आरपीएन सिंह से मुकाबला। सिंह 3 बार इस सीट से रह चुके हैं विधायक। लोकसभा चुनाव में आरपीएन से शिकस्त झेल चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सिंह की ओबीसी वोटों में है अच्छी पकड़। दागियों को टिकट देकर उलझे अखिलेश की सपा ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराज जी को अमेठी से दिया टिकट। भाजपा ने इस सीट से वर्तमान विधायक और कांग्रेस छोड़कर भगवा दल में आई अदिति सिंह को टिकट दिया है। सपा मुखिया भले ही मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी की सबसे हॉट सीट तो गोरखपुर सदर ही है। इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में ही। विपक्षी दलों की ओर से सिर्फ भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने ही मैदान संभाला है। इस सीट पर योगी के दमखम का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 2022 में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला को योगी ने खारिज कर हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को जिता दिया था। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webduniya.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।